एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं उठी हूँ 10 बजे, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। तो कल से हम जल्दी उठेंगे और वो जो चैलेंज है कल से ही शुरू करेंगे। आज से भी करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे। मतलब एकदम तो मैं वो नहीं बन जाऊँगी ना। तो अभी हम सब्जी लेने जा रहे हैं, चलो चलते हैं। अभी ना मैंने ब्रश किया ना मैं नहाई हूँ। उठी हूँ, व्लॉग डाला, एडिट वगैरह किया। करती हो सोचा कि तो चढ़ कर सही तरबूज लिया, तो तरबूज मांगे थे। मैं नहा ली हूँ और मैंने मुँह भी धो लिया है और मेकअप भी किया है। आज मेकअप में मैंने काजल लगाई है, वही सेम सनस्क्रीन, लिप बाम और काजल। आज बस काजल लगाई है। और ये मैंने चोटी बनाई है सिंपल सी, और ये मैंने टॉप पहना है, और ये पैंट, ये बॉनकर से है, ये H&M से है। तो अभी मैं खाऊंगी खाना और देखते आज क्या क्या करेंगे। आज एक्सरसाइज करेंगे, मतलब धीरे धीरे हम अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करेंगे। हाँ ठीक है, तो चलो फटाफट खाना खाते हैं। तो आज से हम सिर्फ हेल्दी खाना खाएंगे, फिर उसके बाद खाना खाने के बाद मैं बनाऊंगी वीडियोस, फिर उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे, फिर देखते आगे आगे क्या करते हैं। बना रही है खाना, क्या बनाया? मैंने सब्जी बनाई, शिमला मिर्च और आलू की सब्जी बनाई। और क्या कह रहा? कुछ कहना चाहोगी? कुछ नहीं कहना चाहती, जिंदगी में क्या था कहने का। पानी। और आज हम लेके आए तरबूज और ये फ्रूट्स। चलो फटाफट इसको खाते हैं। तो अभी हम बैंक में आए थे फाइल के ATM से रिलेटेड, अब हम जा रहे हैं। और बहुत ज्यादा थक गए यार, बैंक में गए थे, फाइल का एक ATM आया था, तो मम्मी ने सोचा मेरा है, तो मम्मी ने वो परमानेंट ब्लॉक करा दिया। फिर उसके बाद अब एक ही महीना हुआ उसको परमानेंट ब्लॉक, इसलिए उसका नया ATM नहीं बन रहा है, इसलिए मम्मी 3 महीने से बैंक में चक्री काट रही थी। फिर आज मैं मम्मी के साथ गई, मैंने पहले रीज़न पूछा तो उन्होंने ये रीज़न दिया कि भाई अभी नए नए में थोड़ी सी होती है, बट उन्होंने कंप्लेंट कर दी है। वैसे जो इस बैंक के मैनेजर हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे और कोऑपरेटिव हैं, और जैसे यहाँ के लोग उनको अंडरस्टैंड भी करते हैं। सी, और फिर उसके बाद वो टेबल साफ करेंगे। यहाँ पे मम्मी ने मेरे को मीठी लस्सी दी थी, और यहाँ पे मम्मी बोल रही थी कि यहाँ हमारी पड़ोसन ने लाल लस्सी दी थी। तो फटाफट फिर मैंने ये पहले तो उस यहाँ से टेबल से सामान उठाया सारा, और मिक्सी वगैरह, दवाई वगैरह, ये मेरा भी मिंत्रा से पैकेट आया था, इसकी भी वीडियो बनानी है। फिर मैंने इसको झाड़ा, फिर इसको साफ़ किया, और फिर उसके बाद दोबारा फिर पानी के साथ अच्छे से मतलब निचोड़ के फिर दोबारा से साफ़ किया, नीचे से ऊपर से। फिर उसके बाद ये जो येलो और रेड कलर के आपको बास्केट्स दिख रही हैं, इनको वॉश किया अच्छे से। फिर उसके बाद इसको भी अच्छे से साफ़ किया, और नीचे से भी ऊपर से भी, और ये भी टोकरियाँ भी वॉश कर दी। और नाउ माय डाइनिंग टेबल इज लुक लाइक दिस। झाड़ू भी निकाल दी, बस अब पोचा मार, साफ कर दिया बिल्कुल। अब झाड़ू भी निकाल दिया, अब पोचा मारना है, हाथ के साथ रगड़ रगड़ के मारूंगी। और इसका एक नतीजा हुआ, मेरी जो ये न्यू पैंट थी ये मिट्टी में धस गई, मेरी अकल मती मारी गई थी। मतलब मैं नए कपड़े पहन के साफ सफाई कर रही हूँ, वाओ। तो चलो पोचा मारने के बाद मिलते हैं। और ये हीरोइन पोचा लगाते हुए, चप्पल काट के लाग रहा पोचा, खुद तो ला नहीं सकती। तो कैसा लग रहा है साफ सुथरी जगह में? और दो बार मारे हाथ के लिए, रगड़ दिए जमा। चलो कोई तेरी एक्सरसाइज होगी,
चुख बात करया करा मैं नहीं कर लियो सारे काम रहने दे तू। और इसके बाद हम पानी नहीं पिएंगे क्या घंटे बस एक घंटा पेड़ की ठाड़ मारी अरे बे खा ले फिर तो का टाइम हुआ ये 2 बजे तो पहला खान का हुआ काट दो बीज बस मैं बोली मां सूत्रम दीवा का तरबूज ये तो ये साफ सुथरा दे रखे ना मीठा है नमक तो लिया सिंपल लिया फैंसी फैंसी सिंपल फैंसी एक छोरी बोली जब मैं फिल्म नहीं देख आई तो मैंने बोली भाई सारी छोरियां देखनी चाहिए अपनी नंगी फोटो नहीं भेजनी चाहिए किसी छोरे का तो एक छोरी ने बोली कि भाई तू मत घुस इन चक्रों में तुझे अभी कुछ नहीं पता ये तो पॉलिटिक्स खेली जाती है ऐसा कुछ नहीं होता बरानी के बोलन लग रही हाँ कमेंट सेक्शन में फिर मैं उस टाइम बोली भाई अपना काम कर मना ना सिखावा मैं एक पढ़ी लिखी हो नहीं रही मतलब मैं क्या गलत बोलूंगी एक छोरी बोली भाई ये सब पॉलिटिक्स है द केरला स्टोरी डिगड़म बिगड़म तना नहीं बेरा तू मत बोल तू तो बालक है शाइडा में तभी का कुछ करना नहीं देश खातर दुनिया की जी बेटी करना पौन लग रही रे पौन लग रहे उनका ठा ठा का बेरा नहीं के करने लग रहे उनका किसी जो कभी नाबालिग जागती हूँ इतना नॉलेज नहीं होती अगर किसी ने मूवी देख कर थोड़ा ज्ञान बढ़ जाए दिमाग खुल जाए तो कोई बुरी बात है फिल्म तो बना कर दे फिल्म प्यार पूर की दुनिया के बच्चे बिगड़िया कर दे ही पहले फिल्म बना कर दे प्यार प्यूर के ऊपर दुनिया के बच्चे बिगाड़ दिए अरे वो ये ठीक सा क्यों माँ बाप ने इतना टाइम नहीं दा बच्चे की पढ़ाई ज्यादा डेंजर होगी तो इस करके माँ बाप तो सिखा नहीं पाओ अपने बच्चे ना और ना बच्चे मानना कम से कम फिल्म देख कर थोड़ा घना तो ज्ञान आ गया ना या बाप से नहीं मरता के फिल्म वाला ना पैसा दे रखे भाई जाओ प्रमोट करो बढ़िया लगी तो देख आए जिस पर भी तनो उसने मेरा पट है जिस माँ की उस पर भी इतनी है ना काला जेब है उन्हें बेरा भी के दुख हुआ है वॉश करूंगी कपड़े और मैं तो पानी में रख के भूल ही गई थी फिर मेरे को मम्मी ने याद दिलाया तेरे कपड़े धो दूँ फिर मैंने बोला नहीं मैं खुद धोऊंगी तो चलो इनको वॉश करते हैं कपड़े धोना कितना मुश्किल काम है भात के साथ धोना मुश्किल है मशीन में तो मतलब इतने एफर्ट नहीं लगते ज़्यादा नहीं लगते बस निकालने और निचोड़ने के एफर्ट लगते हैं लेकिन उसमें ना सही साफ सुथरे भी कौन धोते बस आंख के भी पता ही नहीं था कपड़े धोना इतना मुश्किल काम है ये तो तनाजे पहन रही थी मेरे ख्याल से इना बार का पोछा मार दिया इसको दूर मार दिया गुड वेरी गुड तो हाथ के दौरी से या कपड़े ये चप्पल किसकी मैंग ले आ रही है तुम मनो दे चप्पल किसकी मैंग ले आ रही है तुम तो गाइस हमारे घर में एक फंडा और होता है जो हमारी नई नई चप्पलें आती हैं वो तो चोरी हो जाती हैं और कोई अपनी सड़ी मतलब हमारी नई नई चप्पलें ले जाता है यहाँ से और सड़ी हुई चप्पलें गिर जाता है अब ये नहीं पता ये वो है कौन ये और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ अब वीडियोस तो मैंने अभी तक बनाई नहीं तो अभी बनाऊंगी इस पर थोड़ा सा तरबूज का वो लग गया पानी और कपड़े धोना भाई सच में
वेरी डिफिकल्ट। अब से कपड़े ऑर्डर नहीं करूँगी, मतलब पता चल गया कितनी मेहनत का काम है। ऑल इज वेल। ऐसे तो मैं पहले कपड़े धोती थी, बट अभी थोड़ा सा मतलब वीडियोस, पढ़ाई, थोड़ा सा बिजी हो गई थी तो इसलिए ध्यान नहीं दे पाती थी, बट अभी दिया तो कितना डिफिकल्ट है यार। और जो लड़कियाँ शादी कर लेती हैं उसके बाद वो खुद के कपड़े, अपने पति के कपड़े, अपने बच्चों के कपड़े, अपने सास ससुर के, ननंद के, यार पता चला लड़कियाँ क्यों कहती है शादी मत करो, शादी इज नॉट लाइक फन एंड एंजॉयमेंट, ट्रैवलिंग एंड ऑल, शादी इज लाइक नौकरानी, घिसिंग घिसिंग घिसिंग। बैंड बज गई। अभी मम्मी उनको सुखा के आई क्योंकि मेरे अंदर सिर्फ धोने की कैपेसिटी थी, क्योंकि सुबह से मैंने झाड़ू पोछा किया, डाइनिंग टेबल साफ की, चार बार पोछा मारा रगड़ रगड़ के, तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अभी मतलब धीरे धीरे अपने अंदर डेवलपमेंट्स, हैबिट्स अपनी चेंज कर ली हूँ, और अब धीरे धीरे रोटी भी मतलब एक टाइम की रोटी मैं ही बनाया करूँगी। तो अभी अभी क्या करें, अभी मैं करूँगी एक्सरसाइज थोड़ी देर में, थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। अभी टाइम टेबल बनाया था, डोंट वेस्ट टाइम, तो ये आज मैंने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया। उसके बाद सुबह 5 बजे से पहले उठो, तो कल से 5 बजे से पहले उठेंगे, 15-20 मिनट एक्सरसाइज अभी करूँगी, रीड एनी बुक, शाम को पढ़ाई करूँगी, ये तो मैं लेती रहती हूँ। तो इसमें से मैंने एक चीज़ नहीं की, ये वाली, तो कल इसको करेंगे, ठीक है। इसमें से मैंने ये किया है, अभी ये करूँगी, ये भी करूँगी। मैं खा रही हूँ रात का खाना और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, और अभी मैंने कुछ वीडियोज़ एडिट की थी, तो इस व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और कल से हम चैलेंज करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। देखो एकदम तो मैं संत महात्मा नहीं बन जाऊँगी, धीरे धीरे ये हैबिट्स चेंज करनी पड़ेंगी। तो जैसे आज मैंने घर का पूरा काम किया, तो कल हम अपने ऊपर भी वर्क करेंगे, तो धीरे धीरे, ठीक है। सो ओके, दैट्स फॉर दिस वीडियो एंड व्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल में सब्सक्राइब कर देना।